और आइए अब विस्तार से आपको जानकारी देते हैं कि आखिर त्रिपुरा में हंगामा क्यों मचा हुआ है बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद। वहां अभी मुख्यमंत्री पद के लिए नाम आज तय होने की उम्मीद है, लेकिन इस बीच अगरतला के पास मार्क्सवादी विचारक लेनिन की मूर्ति तोड़ने पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के साथ साथ राज्यपाल तथागत रॉय भी मूर्ति तोड़ने वालों के बचाव में आ गए हैं। भारत माता का जयकारा लगाकर लेनिन की मूर्ति को गिरा दिया गया। भारत माता की, भारत माता की। वही लेनिन जिसे कम्युनिस्ट अपना आदर्श मानते हैं, वही लेनिन जो पिछले 25 साल से त्रिपुरा के बेलोनिया में सीना चौड़ा करके खड़े थे, सरकार बदलते ही उनके सीने पर बुलडोजर चला दिया गया। आरोप है कि जीत के बाद भगवा टोपी और टी शर्ट पहने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले नारेबाजी, फिर बीजेपी का झंडा लहराया और मार्क्सवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले सोवियत संघ के प्रमुख रहे व्लादिमीर लेनिन की मूर्ति गिरा दी। भारत माता की, भारत माता की। त्रिपुरा में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का अति उत्साह अब हिंसक रूप ले चुका है। इस तस्वीर में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता सीपीएम का झंडा जलाते नजर आ रहे हैं। सीपीएम का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव नतीजों के बाद उनके दफ्तरों में आग लगा रहे हैं और उनके कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रहे हैं। हिंसक घटनाओं की सीपीएम ने बाकायदा एक लिस्ट भी जारी की है। आफ्टर द काउंटिंग, लार्ज स्केल वायलेंस इज गोइंग ऑन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। 153 पार्टी ऑफिसेस, 93 ट्रेड यूनियन ऑफिसेस हैव बीन कैप्चर्ड बाय द बीजेपी। सीपीएम के आरोपों पर बीजेपी ने बचाव तो किया ही, साथ ही लेनिन की मूर्ति गिराए जाने के विवाद में त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय भी कूद पड़े। आरएसएस से जुड़े रहे और खुद को राइट विंग का सोशियो पॉलिटिकल थिंकर बताने वाले तथागत रॉय ने लिखा, जो एक चुनी हुई सरकार कर सकती है उसके बिल्कुल उलट दूसरी चुनी हुई सरकार उसे सुधार भी सकती है। लेनिन की मूर्ति को लेकर दिए गए राज्यपाल के इस बयान पर विवाद होना लाजमी था और हुआ भी। उनसे सोशल मीडिया पर ही सवाल पूछे जाने लगे। पत्रकार और लेखक आनंद रंगराजन ने ट्वीट कर पूछा, ये हैरान करने वाला है, माननीय राज्यपाल तथागत जी क्या ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने लेनिन की मूर्ति गिराई उनके पास आवश्यक सरकारी मंजूरी थी और नई सरकार ने अभी तो कार्यभार भी नहीं संभाला है, तो क्या आपने उन्हें मंजूरी दी? कृपया स्पष्ट करें, धन्यवाद। हालांकि सवाल पर राज्यपाल तथागत रॉय ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन राज्यपाल के बयान से हिंसा के बाद एक और विवाद ने जन्म ले लिया है। त्रिपुरा से संवाददाता उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, राज्यपाल के बयान के बाद भी विवाद है और 25 साल बाद वामपंथियों का किला त्रिपुरा में ढहा, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन ये दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। आखिर कौन है लेनिन जिनकी मूर्ति गिराई गई है? रूस के महान क्रांतिकारी नेता थे व्लादिमीर लेनिन जिनकी मूर्ति गिराई गई है। 1917 में रूस के बोल्शेविक क्रांति लेनिन की अगुवाई में हुई थी और सोवियत संघ में समाजवादी शासन की स्थापना व्लादिमीर लेनिन ने ही की थी। लेनिन यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर के प्रमुख भी थे। लेनिन ने कई किताबें लिखी, मार्क्सवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। साल 1924 में स्ट्रोक की वजह से लेनिन की मौत हो गई थी। लेनिन का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था, उनके जो शव था उसे रूस ने संरक्षित किया था ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनसे प्रेरणा मिल सके। लेनिन को कम्युनिस्टों का एक तबका अपना आदर्श मानता है। देश में जहां भी कम्युनिस्टों की सरकार रही वहां लेनिन के विचारों को प्रचारित प्रसारित किया गया, लेकिन अब बीजेपी की सरकार त्रिपुरा में आते ही उनकी मूर्ति को गिराने से विवाद हो गया है। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इस रिपोर्ट से जरा समझते हैं। ये तस्वीरें दो विचारधाराओं की जंग की है। ये तस्वीरें राइट विंग और लेफ्ट विंग की सियासी जंग का हिंसक रूप है। ये तस्वीरें पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा की हैं, जहां विधानसभा चुनाव के बाद कई हिंसक घटनाओं की खबरें आई हैं और हिंसक घटनाओं ने तब तूल पकड़ लिया जब राजधानी अगरतला से करीब 90 किलोमीटर दूर लेनिन की मूर्ति गिरा दी गई। लेनिन की मूर्ति गिराने पर बीजेपी के महासचिव राम माधव ने ट्वीट कर कहा, लोग लेनिन की मूर्ति गिराने की चर्चा कर रहे हैं,
रूस नहीं, ये त्रिपुरा है, चलो पलटाए। राम माधव के ट्वीट से साफ है कि लेनिन की मूर्ति गिराने पर बीजेपी की मौन सहमति है। चुनाव में चलो पलटाई त्रिपुरा में बीजेपी का नारा रहा है और उसी नारे के तर्ज पर लेनिन की मूर्ति पलट दी गई। लेनिन की मूर्ति गिराने के बचाव में बीजेपी है, लेकिन त्रिपुरा में हो रही दूसरी हिंसक घटनाओं पर बीजेपी उल्टे सीपीएम पर माहौल खराब करने का आरोप लगा रही है। कल रात को रामनगर में अगरतला शहर के सबार में जहाँ पे माइनॉरिटीज रहते हैं वहाँ पे रात को 1-2 बजे हंगामा शुरू हुआ। जो अरेस्ट हुए कौन लोग थे? सीपीएम वाले। क्या करना चाहते थे? मुस्लिम एरिया में जाकर गड़बड़ करके वहाँ पे दंगा लगाना। त्रिपुरा के कई जिले हिंसा की चपेट में हैं, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन त्रिपुरा में हिंसा क्यों हो रही है, इसकी वजह वहां लंबे समय से काम कर रहे स्थानीय पत्रकार से समझिए। 93 में लेफ्ट आया, उसके बाद जो जो चुनाव हो, ये पंचायत लेवल का चुनाव, लैम्स पेक्स का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, ईच एंड एवरी चुनाव खत्म होने के बाद सीपीएम का लोग ये अपोजिशन का ऊपर ऐसे ही इतने ऐसे ज्यादा टेरर करता था। त्रिपुरा में हो रही हिंसक घटनाओं पर बीजेपी और सीपीएम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि लेफ्ट राइट के चक्कर में नुकसान वहां की आम जनता का हो रहा है। त्रिपुरा से संवाददाता उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट। और लेनिन की मूर्ति गिराए जाने की घटना के बाद राजनीति यहीं पर थमने वाली नहीं है। आज दिन भर जो भी बयान आएंगे सबसे पहले आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। इस खबर पर हर अपडेट सबसे पहले आपके चैनल पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।